दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है सैमसंग गलेक्सी M02 बजट स्मार्टफोन, जो कि आपको 7,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और साथ में 2 मेगापिक्सल का एक यहाँ पर मैक्रो सेंसर प्रोवाइड कराया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सेल्फी की, तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको यहाँ पर दी गई है। वैसे दोस्तों ये एक बजट फ़ोन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा का आइडिया इसका दे देता हूँ। बात करते हैं दोस्तों अपने पहले सैंपल की, तो ये यहाँ पर जो आप सैंपल देख सकते हैं, इसमें आप डायनामिक रेंज इस फ़ोन की देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये 7,000 के अंडर दोस्तों फ़ोन यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो इस वजह से यार थोड़ा बहुत आपको कैमरे में यहाँ पर मतलब हाथ तंग रहने वाले यार कैमरे के लिए तो। लेकिन अगर आप देखें फिर भी मैं आपको जो इमेजेस दिखाए जा रहा हूँ वो उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको फिर भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसमें दोस्तों पोर्ट्रेट मोड तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, बट आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉट्स निकाल सकते हो। अगर आपको ब्लर वाली फ़ोटो यहाँ पर लेनी है तो आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी नज़दीक जाके वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको HDR का मोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पर HDR से काफ़ी अच्छी थोड़ी हाई डेफिनेशन की फ़ोटोज़ यहाँ पर निकाल सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख नहीं सकते। और इसमें जो 2 मेगापिक्सल का ये मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया गया है, उससे दोस्तों आप कुछ इस तरीके के शॉट यहाँ पर निकाल सकते हो, जिसमें दोस्तों जो कंट्रास्ट है वो आपको ठीक ठाक सा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो 5 मेगापिक्सल की यहाँ पर आपको सेल्फी देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वैसे इतने प्राइस में आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है सैमसंग के इस फ़ोन में, लेकिन दोस्तों कई बार ये सेल्फी यहाँ पर थोड़ी मतलब बोल सकते हैं आपकी कंट्रास्ट में हल्की सी कमी रह जाती है। और बाकी दोस्तों इस प्राइस के मुताबिक मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा ये सैमसंग की ओर से। और दोस्तों अगर वीडियो की बात करें यार, तो वीडियो मैंने जो यहाँ पर निकाली वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। एक्सपोजर वगैरह दोस्तों एकदम ये फ़ोन काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता है, और लाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डायनामिक रेंज भी दोस्तों ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट दोस्तों EIS इस प्राइस रेंज में मिलना मुश्किल है। और यहाँ पर अगर आप जूम करोगे तो आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर क्वालिटी है यार फिर भी काफ़ी सही है, बस हल्का सा दोस्तों लाइटिंग में यहाँ पर हल्का ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है सन की। और दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक्सपोजर अपना लॉक यहाँ पर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कैमरा टेस्ट के साथ।